हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें जीके फॉर ऑल चैनल को क्वालिटी कंटेंट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि स्क्रीन पे देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स 9 अगस्त 2018 यानी कि आज का है, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और उसके आंसर दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आपके लिए, विजिट करें हमारे वेबसाइट myindiagk.com को कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, एम करुणानिधि, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितने बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? और इसका जो सही उत्तर है वो है 5 बार। एम करुणानिधि चेन्नई में 7 अगस्त 2018 को डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का निधन हो गया। वे तमिल फिल्मों के लेखक यानी कि प्रोड्यूसर और राजनेता थे, जो 1969 से 2011 के बीच 5 बार 20 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे। 1969 से लेके 2011 के बीच में 5 कार्यकाल उनका रहा था। अगला प्रश्न, 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, बीजिंग, लंदन या एथेंस? और इसका जो सही उत्तर है वो है टोक्यो। 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों को बाहर निकालने का फैसला किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों को बाहर करने का फैसला किया है? 35, 29, 25 या 21? और इसका जो सही आंसर है वो है 29 द्वीप। विदेशी पर्यटकों को अंडमान निकोबार द्वीप के 29 द्वीपों पर जाने के लिए अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट से बाहर निकालने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, भारत नेपाल समन्वय समिति की तीसरी बैठक 8 अगस्त 2018 को कहाँ आयोजित की गई थी? काठमांडू में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर जनकपुरी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ईमानदारी, उत्कृष्टता, विश्वास तथा प्रतिबद्धता के रूप में नए लोगों का अनावरण किया है? सेबी ने, बीएसई ने, एमसीएक्स ने या फिर एनएसई ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है एनएसई, अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। एनएसई ने अपनी स्थापना का 25 वर्ष पूर्ण होने पर ईमानदारी, उत्कृष्टता, विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रतीक के रूप में अपने एक नए लोगो का अनावरण किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में स्थित भारत का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। एनएसई की स्थापना 1992 ईस्वी में देश में पहली बार कंपनीकरण संस्था से लाभ कमाने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में पहली और एकमात्र ऐप आधारित टैक्सी सेवा किस नाम से प्रारंभ हुई है? गोवा में पहली और एकमात्र ऐप आधारित टैक्सी सेवा, ऑप्शंस हैं गोवा ओला, गोवा माइल्स, गोवा उबर या फिर गोवा कैब्स। और इसका जो सही आंसर है वो है गोवा माइल्स। गोवा में पहली बार और एकमात्र ऐप आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है, जिसका नाम गोवा माइल्स है। यह ऐप गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा लॉन्च की गई है। गोवा माइल्स को स्थानीय कंपनी द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसका नाम फ्रोटा माइल्स है, जो मूल कंपनी पिटामिस सॉफ्टवेयर की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिनटेक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कौन सा आईआईएम डेल तथा बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से जेपी मॉर्गन वित्तीय समावेशी प्रयोगशाला स्थापित करेगा? आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ या फिर आईआईएम बंगलोर? और इसका जो सही आंसर है वो है आईआईएम अहमदाबाद। फिनटेक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद, डेल और बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से जेपी मॉर्गन वित्तीय समावेशी प्रयोगशाला स्थापित करेगा। जेपी मॉर्गन इस पहल की दिशा में अगले 4 वर्षों में $7 मिलियन यानी कि 70 लाख डॉलर, $70 लाख खर्च करेगा। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। चीन से बढ़ते आयात को रोकने के लिए भारत ने 328 कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 30%, 15%, 25% या फिर 20%? और इसका जो सही आंसर है वो है 20%। चलिए अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्न में से किसने अगस्त 2018 में भिक्षा पर से प्रतिबंध हटा दिया है? भिक्षा पर से प्रतिबंध हटा दिया है यानी कि भीख मांगने पर से प्रतिबंध हटा दिया है, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? और इसका सही उत्तर है दिल्ली ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में भीख मांगने के कानूनी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है और कहा है कि इसके लिए दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक थे और इसे हटाना चाहिए। इस फैसले का नतीजा यह होगा कि बॉम्बे भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम की धाराओं में उल्लिखित भीख मांगने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का प्रावधान भी प्रभावित हो सकता है। इसके भीख मांगने पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं इस निर्णय के। अब आज का आखिरी प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न है, ये है आपके स्क्रीन पे। ये जो मुद्रा दिख रही है आपको इस इमेज में, ये किस देश की मुद्रा है, अर्थात जापान की मुद्रा जो है वो उसका क्या नाम है? युआन, यूरो, येन या डॉलर? जापान की मुद्रा येन है। युआन पहले चीन की मुद्रा होती थी जिसका नाम बदल के अब रेनमिन भी कर दिया गया है। अब चीन की मुद्रा रेनमिन भी है। यूरो यूरोपियन यूनियंस की मुद्रा है और डॉलर मुख्य रूप से यूएसए की मुद्रा है। इसके साथ ही डॉलर कई देशों की, अन्य देशों की भी मुद्राएं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने विभिन्न ग्रुप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।